दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई, लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप रिपेयर या डीलर हो या मैन्युफैक्चरर हो तो अपना एड्रेस और नंबर जरूर सेंड करें। थैंक यू। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे दोस्त ने पूछा था कि क्या हम 100 GPD के पंप के साथ 2 मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, और अगर इनमें से एक मेम्ब्रेन बाईपास करनी हो तो हमें और क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम 100 GPD का पंप लगा रहे हैं और 75-75 की 2 मेम्ब्रेन लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें 300 CC का FR यूज़ करना है, इसके साथ भी और दूसरी मेम्ब्रेन के साथ भी। अडेप्टर हमने यूज़ किया है 4824 ड्यूल सप्लाई अडेप्टर, और इसके साथ हमने 2 मेम्ब्रेन यूज़ की है। दोनों का जो प्योर वाटर है सेपरेट है और ये अलग से स्टोरेज टैंक को दिया जाएगा। अब इन्होंने कहा कि अगर हमने एक मेम्ब्रेन बाईपास करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमने एट ए टाइम एक मेम्ब्रेन को, मान लो इस मेम्ब्रेन को हमने बाईपास करना है तो हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, एक तो हमें यहाँ मैनुअल फ्लो कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। जब दोनों मेम्ब्रेन को आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में रहेंगी, ये मैनुअल जो गेट वाल्व है इस स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा। अगर मान लो कि आपने इसको सप्लाई को बंद करना यहाँ से पानी की, तो ये यहाँ से सप्लाई बंद होगी, आपकी मेम्ब्रेन बाईपास होगी। अब इस कंडीशन में हमें थोड़ी और चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा FR जो 300 CC था वो दोनों मेम्ब्रेन के दौरान था। दोस्तों, अगर हम एक मेम्ब्रेन को बाईपास कर रहे हैं तो उस केस में हमें दूसरी मेम्ब्रेन का जो FR है उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि हमारा 100 GPD का पंप और 75 GPD की मेम्ब्रेन, ये जो सिंगल यूज़ कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 87.5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 525, यानी कि 525 का FR हमें यूज़ करना है। 525 का अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें 550 का यहाँ FR यूज़ करना है। एक मेम्ब्रेन हमने बाईपास कर दी है, उस केस में आपने 550 का FR यूज़ करना है, 350 का नहीं। 350 का तब आपने करना है जब आप 2 मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हो 75 GPD की।